छोटों की बड़ों की हम सबकी फेवरेट आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। आज ये रेसिपी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जैसे आपकी पाव भाजी का जो कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आए एकदम बाजार की तरह। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस और DIYs आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक तैयारियां करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर 4 सब्जियां ले ली है, फूल गोभी है, 1 गाजर, 1 बीटरूट और 2 आलू ले लिए हैं। और अब हमें इन सारी सब्जियों को चॉप करना है। तो फूल गोभी को तो मैंने ऑलरेडी चॉप किया हुआ है और हमें सारी सब्जियों को रफली ही चॉप करना है। लेकिन आप कोशिश करें कि गाजर और बीटरूट को थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में ही चॉप करें, फिर जब हम इन्हें बॉईल करेंगे तो ये फटाफट बॉईल होकर तैयार हो जाएंगे। और फूल गोभी तो बहुत ही वैसे भी फटाफट बॉईल हो जाती है। बीटरूट डालने से पाव भाजी में कलर बहुत ही अच्छा आता है और बच्चे भी इस बहाने बीटरूट खा लेते हैं। वैसे तो हम बच्चों को बीटरूट देते हैं तो वो खाते नहीं हैं, बट पाव भाजी में एक्चुअली बच्चों को पता भी नहीं चलता है, उनको न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं और पाव भाजी में कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो बीटरूट अगर आपके पास है तो आप पाव भाजी में जरूर डालें। पाव भाजी में हमें कोई आलू अलग से बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है, हम इन चारों सब्जियों को एक साथ मिलाकर और बॉईल कर लेंगे। तो बस इन चारों सब्जियों को बॉईल करने के लिए हमें प्रेशर कुकर लेना है और सारी सब्जियां हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हमें प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस जब तक हमारी सब्जियां हैं हमें उतना ही पानी डालना है, क्योंकि हमें इन सब्जियों को मैश करना है। तो अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपको सब्जियां मैश करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी आप सब्जियों जितनी ही रखें। 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सॉल्ट और 1/4 टेबल स्पून हल्दी, बस हल्का सा स्टर कर देंगे। कुकर का लिड लगाएंगे और हमें इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाना होगा। जब तक हमारी सब्जियां बॉईल हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च की भी जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ 2 प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। अगर आप चॉपर में चॉप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। हमें प्याज को ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना है, इसे चॉप करके ही लेना है। 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने चॉपर में ही डालकर चॉप कर लिया। इस शिमला मिर्च को आपको बॉईल बिल्कुल नहीं करना है, इसकी पूरी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो आपको पाव भाजी बनाने के लिए 1 शिमला मिर्च लेना है, अगर वो बहुत ही छोटी साइज का है तो आप 2 ले सकते हैं। और ये 3 टमाटर हैं। अगर आप लाल वाले टमाटर लेंगे तो आपकी सब्जी का कलर अच्छा आएगा। और इन टमाटरों को तो मैंने ग्राइंड किया है और आप देख सकते हैं मैंने इनको दरदरा ग्राइंड किया है। आप चाहें तो आप इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं या चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से काम आसान हो जाता है। तो बस आप जब ग्राइंड करें तो इसे दरदरा ग्राइंड करें। और थोड़े से मैं ग्रीन पीस भी ले रही हूँ, ये फ्रोजन मटर है। अब हम इन सारी सब्जियों को करते हैं साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमें अदरक लहसुन की पेस्ट बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पर 10 कलियाँ लहसुन की ले ली है। पाव भाजी बनाने के लिए हमें लहसुन ज्यादा ही यूज करनी है, तभी हमारी पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 10 कलियाँ लहसुन की और सिर्फ 1 टुकड़ा अदरक का। 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी यूज करने वाले हैं। और मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ही हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ही आपकी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, तो इसे तो आपको जरूर डालना है। और अब हम इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अभी लिड लगाकर हमें इसका पेस्ट तैयार करना होगा। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है तैयार और ये अभी बहुत ही थिक है, तो हमें इसमें 1/2 कप के आसपास पानी डालना होगा। हमने स्टार्टिंग में पानी इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होता था, तो आप ग्राइंड करने के बाद ही फिर से पानी डालकर और ग्राइंड जरूर करें। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है तैयार और आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह रखनी है। हमारी सारी सब्जियां भी बॉईल हो चुकी है, तो अब एक पाव भाजी मैशर से हमें इन सारी सब्जियों को मैश करना होगा। मैं आपको परफेक्ट पाव भाजी बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप दे रही हूँ। तो जो सब्जियां हमने कुकर में बॉईल की,
हमें उन सबकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वली लेनी है, मतलब हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए उनकी क्वांटिटी इक्वली होनी चाहिए। अगर आप फूल गोभी ज्यादा डालेंगे तो सारी पाव भाजी में फूल गोभी का फ्लेवर आएगा, अगर आलू ज्यादा डालेंगे तो आलू का ही फ्लेवर आएगा, और जो हमने गाजर और बीटरूट डाला वो तो हमें एक एक ही डालना है। तो हमारी सारी सब्जियां ऑलमोस्ट मैश हो चुकी है, आप देख रहे हैं, बस इन्हें हमें हल्का सा ऐसे दरदरा रखना है। अब हमारी पाव भाजी की सारी तैयारियां हो चुकी है। वैसे तो स्ट्रीट्स पर पाव भाजी एक बड़े से तवे पर बनाई जाती है, लेकिन हम सबके घर उतना बड़ा तवा तो होता नहीं है, इसीलिए हम आज पाव भाजी कढ़ाई में ही बना रहे हैं। आप कोशिश करें कि भाजी बनाने के लिए हमें एक ऐसी कढ़ाई लेनी है जिसका जो बेस है वो थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने डाल दिया है एक बड़ा टेबल स्पून ऑयल का, और मैं एक बड़ा क्यूब बटर का डाल रही हूँ। बटर के थोड़ा सा ही मेल्ट होते हुए हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा स्प्लिट होता है, ये दो जो चॉप किए हुए प्याज हमने रखे थे वो डाल देंगे। हमें प्याज को हाई फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। प्याज को हल्का सा ही सौते करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हमें शिमला मिर्च और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भूंजना होगा। प्याज और शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लिया है, और हमें प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, प्याज हमारा सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो जाए, हमें इसे उतना ही पकाना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 छोटा टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। आप पाव भाजी मसाला कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। 1 छोटा टेबलस्पून नमक, नमक डालते टाइम आप ध्यान रखें आपने बॉईल किए करते टाइम भी सब्जियों में नमक ऐड किया था। सारे सूखे मसालों को प्याज और शिमला मिर्च के साथ भूंजने से हमारी भाजी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और सारे मसाले भूंजने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और आप देख सकते हैं ये काफी सारा पेस्ट है, तो हमें इसमें अभी आधा पेस्ट डालना है और आधा पेस्ट हम अभी बचा कर रखेंगे। गैस का फ्लेम हमें पूरा टाइम हाई रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम सब्जी को एक बार स्टर दे देंगे, और उसके ऊपर हम ये टमाटर भी डाल देंगे, जो 3 टमाटर हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखे थे। अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हाई फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट अच्छे से भूंजना होगा, जब तक इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पाव भाजी कुकर में बनाते हैं, लेकिन जो कुकर में पाव भाजी बनती है उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है, और जो हम कढ़ाई या तवे पर भाजी बनाते हैं उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। तो आप ये कढ़ाई में भी पाव भाजी जरूर बनाकर देखिएगा, इसका टेस्ट एकदम स्ट्रीट स्टाइल आता है, और भाजी को कढ़ाई में भी बनाते टाइम ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है ज्यादा। तीन से चार मिनट में ही हमारी ग्रेवी में से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। जो हमने पाव भाजी के लिए मसाला बनाया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही हमारी भाजी में असली टेस्ट देगा, और इस मसाले को आप बहुत ही अच्छे से भूंजेंगे तो आपकी सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस अब हम इसमें डालेंगे ये मैश की हुई सब्जियां, और हाई फ्लेम पर ही हमें इस सारी भाजी को 1 से 2 मिनट के लिए पकाना होगा। 1 से 2 मिनट के बाद आप नोट करेंगे कि इस भाजी में से काफी सारे बबल्स उड़ रहे हैं, तो अब हमें इसमें ग्रीन पीस भी डालने हैं, और ग्रीन पीस को भी हम एक बार स्टर दे देंगे। गैस का फ्लेम हम कर लेंगे लो, और वापस पाव भाजी मैशर की हेल्प से हम सब सारी सब्जियों को एक बार मैश कर लेंगे। वैसे तो हमारी सारी सब्जियां हमने ऑलरेडी मैश की हुई थी। आप भाजी को बहुत ही अच्छे से मैश करें, मतलब एकदम उसका पेस्ट भी नहीं बनाना है, थोड़ा टेक्सचर रहना चाहिए, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सारी सब्जियां मैश करनी है। हम स्ट्रीट्स पर कैसे पाव भाजी खाते हैं एकदम मैश की रहती है, हमें बिल्कुल वैसे ही मैश करके तैयार करनी है। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। हमें पाव भाजी की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल ही रखनी है, आपको बहुत ज्यादा थिक गाढ़ी भाजी को नहीं बनाना है, थोड़ी आप ऐसे लिक्विडी भाजी रखिएगा, और फिर ये जब ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो ही जाएगी। पानी डालने के बाद हम भाजी को हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे,
और जैसे ही हमारी भाजी में बॉईल आता है तो गैस का फ्लेम हमें करना है लो, और लो फ्लेम पर ही हम भाजी को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को लो फ्लेम पर रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं भाजी ने ऑयल भी रिलीज कर लिया है, और मेरे तो पूरे घर में बहुत ही बढ़िया भाजी की खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कंसिस्टेंसी एकदम ये परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ, तो मैं आपको अभी एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप बताने वाली हूँ जो हमारी पाव भाजी में 4 चांद लगा देगी। तो हम भाजी को करते हैं साइड। तो लास्ट स्टेप में हमें चाहिए एक तड़का पैन, और उस पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, साथ में 2 बड़े क्यूब्स बटर के, और बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जो हम तड़का बना रहे हैं ना, यही हमारी पाव भाजी को बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देगा। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम बटर के साथ एक बार स्टर कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना होगा इस टाइम, और हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो करना होगा, और लो फ्लेम पर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 मिनट तक भूंजना होगा। बस 1 मिनट तक भूंजने के बाद इसमें से बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आएगी, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। एक बार धनिया के साथ स्टर कर लेंगे, और अब हमने जो ये तड़का बनाया है इसका हाफ तड़का हम भाजी के ऊपर डाल देंगे, और हाफ तड़का हम रखेंगे और हम इसे पाव सेकेंगे। भाजी के ऊपर डालते हैं खूब सारा धनिया, और हमारी बहुत ही पाव भाजी की भाजी है बिल्कुल तैयार। आप मेरी तरीके से एक बार ये जरूर बनाकर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पाव हम सेम ही तड़का पैन में सेक लेते हैं, तो इसमें जितना भी बटर है वो हम निकाल देंगे, हल्का सा बटर रखेंगे। तो बस पाव को बीच में से कट करके और हमें ये सारे मसाले में कोट करना होगा। आप पाव भी बिल्कुल इसी तरीके से सेकिएगा, आपको पाव भाजी खाने में बहुत ही मजा आएगा, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा आप स्ट्रीट पर खा रहे हैं पाव भाजी। हमारे एकदम मसालेदार पाव सिककर भी है तैयार, तो चलिए प्लेट कर लेते हैं। पाव भाजी को हम प्लेट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ये मार्केट में मिलती है। तो साइड में डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ खीरा, एक छोटा पीस लेमन का, और ये रही हमारी एकदम मसालेदार वाली पाव। एकदम परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर, और बहुत ही खुशबूदार गरम गरम हमारी भाजी। देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप एक बार ये मेरी रेसिपी से पाव भाजी बनाकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पाव भाजी बनाने के पहले आप सारी तैयारियां कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कटिंग, चॉपिंग, बॉईल करना, और फिर आपकी भाजी बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। सारी स्टेप्स को आप एकदम फॉलो करके बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी भाजी है जो एकदम मार्केट के जैसी लगेगी, और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।